हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बचे हुए चावल से बनने वाला बहुत ही टेस्टी कुरकुरा और चटपटा नाश्ता। इसे आप शाम को चाय के साथ सर्व करें या रात के चावल बच जाएं तो आप उन्हें सुबह लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, बोल में रात के बचे हुए चावल हम डाल देंगे या दोपहर के शाम को भी यूज़ कर सकते हैं आप। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन। तो जितना मैंने चावल लिया है उसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच बेसन डाला है। बेसन को भूनना नहीं है, सादा बेसन है। थोड़ी सी प्याज ऐड करी है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किया है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और जीरा। तो जीरा साबुत लेना है आपको, जीरे को भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे और नमक डालेंगे स्वादानुसार। ध्यान रहे नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि कई बार अपन चावल में बनाते टाइम पे भी नमक डाल देते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और अब ये डाल देंगे हम धनिया। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से। तो ध्यान रहे आपको इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ हाथ से ही अच्छे से मिला देना है। आप चाहें तो मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। और बिल्कुल इतना एकदम जैसा हम आटा गूंथते हैं उस तरीके का हमें इसे एकदम मसल लेना है, जिससे चावल जितने हैं सारे टूट जाएं अच्छे से। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मसला है। तो ये देखिए, ऐसे मैंने एकदम इसको इसका जो डो सरीके का है वो बना लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके पेड़े बनाएंगे। और पेड़े बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक रोलिंग बोर्ड लेंगे। रोलिंग बोर्ड में हम इसके पेड़े को रखेंगे और पेड़ा रखने के बाद हम इसको हाथों की हेल्प से गोल करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, आप किसी भी शेप का इसे बना सकते हैं, लंबा, गोल, या कटर हो आपके पास तो आप कटर में भी, हार्ड शेप है, स्क्वायर शेप है, आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे हाथों की हेल्प से रोलिंग बोर्ड पर बड़ा कर रही हूँ। इस तरीके से हम बिल्कुल हल्के हाथ से दबा दबा के बड़ा कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए एकदम इसे पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी ना रहे। सो ये देखिए, अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ तो इस तरीके से फिंगर टाइप के बन जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत मोटा मैंने नहीं काटा है। और अब हम क्या करेंगे, इसके बीच से एक एक टुकड़ा और कट कर लेंगे। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि एकदम पतले भी नहीं हैं और एकदम मैंने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा। अब हम करेंगे इसको फ्राई। तो एक पैन रख दिया है जिसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ये जो हमारे फिंगर्स हैं इनको डाल देंगे ऑयल में। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे, फुल टू मीडियम फ्लेम पर हम जो हमारे लेफ्ट ओवर राइस के कटलेट हैं या फिंगर्स हैं उनको हम सेकेंगे। आप जब भी इनको ऑयल में डालें तो तुरंत ना पलटें, 1 से 2 मिनट तक पहले इन्हें ऑयल में सिकने दें, इसके बाद ही आप चम्मच से इन्हें पलटें। नहीं तो क्या होगा कि ये टूट जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से इन्हें सेकेंगे तो जिस जैसे आप डाल रहे हैं वैसे ही ये निकलेंगे। बेसन डालना ना भूलें, बेसन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर की है ऑलरेडी जिसमें मैंने बेसन नहीं डाला है, वो रेसिपी भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। और ये रेसिपी अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही बनाई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, तो ये वो रेसिपी है। तो देखिए, गोल्डन होने तक हम इन्हें अच्छे से सेकेंगे, अलट पलट के एकदम सेकना है। आप चाहें आपको लगे कि अंदर से सिके नहीं तो आप एक तोड़ के भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इनका कलर एकदम चेंज हो गया है और प्याज भी अच्छे से हमारी जो गोल्डन ब्राउन है वो हो चुकी है, निकाल लिए हैं मैंने। अब बाकी के बचे हुए भी ऐसे ही सेक लेंगे और आप इन्हें गर्म गर्म चाय के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैंने आपके साथ बहुत मज़े मज़ेदार रेसिपीज शेयर की हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें और फीडबैक में मुझे बताएं कि आपको वो रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके अलावा आप कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं वो भी मुझे कॉमेंट में बताएँ। थैंक यू।